14 साल बीत गया, लोग बताते रहे हम खिलाते रहे, लोग बताते रहे हम खिलाते रहे, पूजा पाठ सुनते रहे और सुनाते रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं, खाली को खाली। एक दिन मन में आया कि आखिरकार ऐसे ही जिंदगी पूजे पाठ का करते करते एक दिन करीब आ जाएंगे, ना कुछ मिला तो ये पूजा पाठ को करने का फायदा क्या। कह मन में एक जागृति जागी और उस भगवान भोलेनाथ को मैंने याद किया कि महादेव बहुत पूजा कर लिया, ये जीने का सहारा है पूजा और कुछ नहीं है। ये सोचो कि पूजा करने से जिंदगी का कोई बदलाव हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, कुछ मिल जाए कुछ नहीं, मिलेगा वही जो राम रुचि राख्यो, मतलब जो कर्म में होगा वही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने ही पूजा पाठ करने के लिए घर वाले से झगड़ा कर लें, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, पूजा पाठ करने के लिए चाहे घर वाले से झगड़ा कर लो, क्योंकि हम पुजारण हैं और तुम जो है कि पूजा पाठ को नहीं मानते हो तो झगड़ा तो होने है, लेकिन फिर भी उस झगड़ा से अगर कोई फायदा हो जाए तब मैं तो कह रहा हूँ कि झगड़ा करके भी पूजा कर लो। अगर फायदा हो जाए बहन तो झगड़ा करके भी पूजा कर लो, लेकिन जितने लोग पूजा पाठ में देखो, एक तो नॉर्मल पूजा वाले होते हैं और एक सीरियस होते हैं, कि उन्हें बिना पानी बिना पूजा करे पानी नहीं पी थी, बहुत से होते आज भी हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे में उनकी वो हालात होती है कि शायद उठाने बैठाने की जरूरत पड़ जाती है कि भाई उठाओ इनको वहाँ ले चलो, वहाँ से यहाँ ले चलो। जितने पूजा पाठ करने वाले हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, अंत बहुत ही दुखदायित होता है। साहब ने कहा कि महादेव ऐसा क्यों होता है, कहें कि देखिए जो घोड़ा पर चढ़ता वही घोड़ा से गिरता है, घोड़ा पर चढ़ोगे तो गिरोगे भाई। इसी तरह ये पूजा में जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो गलती भी तो उन्हीं से होगी ना, जो करेगा वही उसी से गलती होगी, जो पूजा ही नहीं करा तो उससे गलती क्या होगी। इसलिए जो नहीं करता है सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा के या एक लोटा दूध चढ़ा करके जयराम जी की करके आ जाता है वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना धर्म निभाया है, लेकिन जो दिखावा करते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। महादेव कह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, वो अच्छा भी करते हैं और करते हैं तो खराब हो, खराब भी मतलब अच्छा भी होता है और गलती भी होती है, गलत सही दोनों। तो सही जब होता है तो हम दे देते हैं, लेकिन उसको जो दे देते हैं तो वो हवा में उड़ा देता है, उसको कमी उसको शायद याद भी नहीं होगा, और मैंने हाथ से तो दिया नहीं कि ले ले तो याद भी रहे। हम कब देते हैं कैसे देते हैं ये नहीं पता है, लेकिन देते जरूर हैं, और जब गलती होती है तो हम लेते भी हैं, जब गलती होती तो लेते हैं, वही बुढ़ापे में आके कष्ट बन जाता है, वही कष्ट परेशानियां बन जाती है। इसलिए भक्ति भाव का समय बीत गया, समय चला गया। कहते हर्ष जैसे अभी हमारी गीता बहन गा रही थी कि बदल युगवा जमनवा हो भोला हीरो, सचमुच में सब कुछ तो बदल गया, युग बदल गया, इंसान बदल गया, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, सब कुछ बदल गया, तब पूजा भी तो हो सकता कि बदल गई हो, तो हकीकत में बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदलती नहीं तो पूजा करने वाला दुखी और पड़ोसी तक को गाली देने वाला सुखी, पड़ोसियों से अनबन रख करके बस कला सुखी है और आज किसी की हमदर्दी करके दुखी है, ऐसे जमाना हो रहा है, हमदर्दी करके लोग दुखी हैं और बैर करके सुखी हैं, तो ये बदलाव तो है। लेकिन इन सभी बातों को मैं साहब का कहनाम कि देखिए आप सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि महादेव एक गुरु के रूप में इस युग में आए हैं, ये बदलाव इसको बदलाव कहा गया है।
कि इस युग में आए हैं, ये बदलाव है, वह पूजा ना लेकर के सेवा का कार्य आरंभ कर दिए हैं कि हमारे सेवा में आइए। आप लोगों के अंदर जो भरम भरम बना हुआ है, वह भरम को दूर करने का मेरे गुरु मंच से संदेश मिलेगा। भरम को दूर करने का वह गुरु मंच से संदेश मिलेगा। आपकी ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं, ये कैसे हल होगा, इसका कैसे, इससे हम छुटकारा पाएंगे। साहब ने कहा कि महादेव ने कहा कि सभी लोगों को एक संदेश देना है कि देखिए भगवान भोलेनाथ भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। इनको अपना गुरु बना करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश, कहते हैं कि अंधकार में प्रकाश की तलाश होती है कि ये अंधकार है, प्रकाश कहाँ मिलेगा। तो ये सचमुच में हमारे अंदर का जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल सकता है, लेकिन आप महादेव को गुरु मनाएंगे तो साहब ने कहा कि इसका मतलब नहीं है कि महादेव को गुरु बनाने के बाद सबके रिश्ते टूट गए या सबके रिश्ते कमजोर हो गए। महादेव ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।